कृपा अवे
परम धाम श्री राम उल्लेखित हो
राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भी
सत्यं शिवं मंगलं सत्यं शिवं मंगलं वृद्धि चौरानवे पेज 194। राम सिया को देख तब वन को हुए तैयार, लक्ष्मण दो कर जोड़ कर बोला निश्चय धार, धनुष बाण के सहित मैं चलता हूँ तब साथ, सेवक बहुत विनीत बन तुझे रिझाऊं नाथ, आगे चलकर मैं सदा पंथ विषम समझान, पथ पर दर्शन करूँगा बनकर सेवावान, शाक पात जल वनज सब कंद मूल फल फूल, समय पर वस्तु वन्य भी लाऊंगा तज भूल, होम यज्ञ के उपकरण लाकर विधि अनुसार, सेवा साधन साध सब करूंगा तनिज निस्तार, राते 14 वर्ष की सब काटूंगा जाग, मैं पहरा देता हुआ निद्रा आलस त्याग, तुम सोम कह राम ने वन निश्चय दो छोड़, उससे अपने चित्त को लो तुरंत ही मोड़, मेरा परम स्नेही तू है सखा गुणी मीत, मेरा आत्मा प्राण है सुहृद सच विनीत, घर पर रहकर बंधुवर करो पितृ संभार, मेरी अपनी मात के देना दुख निवार, मेरे पीछे वे तुझे उपस्थित सम्मुख देख, शांत धरती को धार कर सहेंगे कुदिन ले, भरत भी तो सुदूर है दूर है राजा पास, उसको सेवा भक्ति से होने देना उदास, लक्ष्मण ने कहा सविनय राम को प्रीति संग, मेरे मन में उच्चतर उठती वही तरंग, मुझसे मनुज सहस्त्र को सके कुशल्यापाल, मेरे से जन बहुत को सुमित्रा सके संभाल, भूत शक्तिमान है बने नहीं वह दीन, मेरे तो वनवास से बले वीर स्वाधीन, हुआ समुचित जान कर बोले राघव आप, अच्छा चलिए सहित हर्ष मन को बंधु पाप, सबको मिलते जाइए आदर धैर्य मान, देना अपनी पत्नी को विषम रह कर ध्यान, मंथन से यथा अंगांगी दुख सुख में हो सच्चा संगी, विपद व्याधि में बने सहाय, सो सज्जन समझो शुभ भाई, जो हो हृदय
हितकारी सरल सखा सदा स्नेहधारी प्राणो समझो प्रेमी प्यारा वे भाई गुणगण उच्चारा बंधु बंधु की शीतल छाया जीवन ज्योति दूसरी काया बलि हाथ महाशक्ति वाली बंधु आश्रय है बलशाली भाई मुझके सबल सहारे कार्य होते जग में भारे निर्भय फिरते भाई वाले उनके कहने जाते पाले बाप सार मिले जब भाई सुर सुख रहते सर्व रजाई पूरी प्रेम झड़ी लग जाती बंधु बंधु की मिलती जाती जैसा जग में जननी जाया मित्र मिले कब पुत्र पराया भाई भाई पन के नाते जी जीवन से मिल जुड़ जाते राम सखा लक्ष्मण वर भ्राता पालन कर सब बांधव नाता सर्व समर्पण करके शूरा भाई मन में उतरा पूरा राघव की अनुमति अनुसारी लखन सखा बांधव सुखकारी निज भवन में तुरंत वह आया निज जनों को उसने रिझाया भरता सो पत्नी को ति प्यारा धैर्य शांति देता सहारा बोला मन कर मैं अनुगामी सेवाधार सहित श्री स्वामी जाता हूँ वन को मम प्यारी मुझे रहे ना चिंता तुम्हारी ओ सेवक मैं जगते राते तज दूंगा सब सुख की बातें रहना प्रिय तुम सुख से ही सास पूज मन तन मुख से ही विनय धर्म में नहीं हो ऐसे भारत सतिया रहती जैसे दोनों नयन वह डब डबाती मिले पति को लगा कर छाती मंगल कर्म उसने रचा के विदा किया पति तिलक लगा के सेवा समर है तू जब जावे पत्नी पथ में नहीं तब आवे देश विदेश वणिज को जाना संकट हरण कर्म भी नाना भाया कभी न बाधक होके धर्म पथ से पति को रोके क्षत्रिय कुल की सतियाँ ऐसी होती थी उर्मिला जैसी लखन मिला रघुपति जी को विनय सहित श्री सियासती को तीनों मिल चले व्रतधारी भूप मिलन बनवन जारी राज चिन्ह तज कर थे जाते देख उन्हें जन विस्मय पाते सब थे हाहाकार मचाते अंगुल दांतों बीच दबाते शत शत थे जन दौड़े आते उष्ण कड़वे आंसू बहाते कहते बनी रानी हत्यारी ये किए जिसने व्रत धारी जिस पर छत्र चमर थे होते जिसके रत्न तेज के सोते पग से सिर तक सोना सोही मन को जाता है मुनि होही कमल नाल सम को मलकाया जिस पर है सौंदर्य समाया सोसिया है पति संग जाती पैरों चलती हर्ष मनाती वन में विचरेंगे ये कैसे बीतेंगे कैसे दिन ऐसे कैसे बिगड़ गई है रानी बोली विषम विषैली वाणी धर्म धर जो है सत्यवादी शम दम धारी नहीं विवादी उसको ऐसे बहुत सताते ना वेल जाई बनी बनाते इस पुर में हो कुक्रम भारे कटुतर कर्म कठोर करारे उस पर आती विपदा भारी भय करी फैले महामारी रघुपति सुनते थे जनवानी वन बसने की करुण कहानी चिंता युक्त न होने पाए हर्षित शशि कला से दिखाए भवन द्वार पर जाकर दे बोले सुमंत्र सचिव सने करिए निवेदन भूपति सेति मेरा आगम वार्ता इति वह जा थर थर कंपित होके कहा भूप से उसने रोके राघव देव सुपुत्र तुम्हारे अनुमति लेने या
वहाँ पधारे है रत्न धन उसने लुटाए शयन भवन सब रिक्त बनाए अनुज संग लिए सती सीता आए घर सारा कर रीता यह सुने उसने बंधु बुलाए निमंत्रित फिर राम कराए देखे राम को मुनि बन आते दौड़े भूप के दयति पाते गिरे बीच में वे तब त्यों ही वज्र हतालता गिरे ज्यों ही अनुज राम सिया ने उठाए पर पलंग पर भूप लिटाए नर नारी सब जनते रोते बार बार बहु व्याकुल होते हाहाकार हुआ तब ऐसा पीड़ित प्राण करे भी जैसा दो घड़ियों तक भूप न चेते थे सुजन सब सिसकियां लेते हुए सचे तब राम जी ने कहे वचन सार विनयने भूप पिता गुरुवर हो ज्ञानी आप सदा मेरे वरदानी दो अनुमति वन को मैं जाऊं सत्य वचन कर सुख को पाऊं लक्ष्मण सीता आए दो भी वन बसने को सज्जित हो भी मैंने उनको बहुत हटाया घर रहना कर्तव्य बताया पर ये रहना यहाँ न चाहे हो आज्ञा तो मन सह जाए करो दया दो अनुमति देवा साधे जाकर वंजन सेवा पर ये रहना यहाँ न चाहे हो आज्ञा तो मन सह जाए करो दया दो अनुमति देवा साधे जाकर वंजन सेवा प्रभु प्रीत लगा के चले I'm gonna be there.
सर्वशक्तिमान